नमस्ते, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा, मैं योगा ट्रेनर। अगर आप आज हम करेंगे हैंड स्टैंड। अगर आप हैंड स्टैंड करना सीखना चाहते हो तो आपको अपने शोल्डर, आपके आर्म्स की मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ओके, उसके लिए आपको कुछ बेसिक टेक्निक, डेली आपको बेसिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको वही सब सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हैंड स्टैंड करने के लिए, अपने हाथों के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। इस तरह से नी बैंड करोगे, पुशअप्स करेंगे हम। सबसे पहले डेली आपको इसके 20-20 के करीब दो सेट डेली आपको करना है। 1, 2 इससे आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, आपके आर्म्स स्ट्रांग बनेंगे, आपके शोल्डर स्ट्रांग बनेंगे। ओके, आपकी कलाइयाँ भी इससे स्ट्रांग बनेंगी। ओके, नेक्स्ट टेक्निक देखें क्या करना है आपको। इस तरह से प्लंक पोज में आना है आपको। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट। ये आपको, इसके भी आपको करीब दो सेट करने डेली 20-20। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब देखें आपको क्या करना है। दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेके आओगे। ओके, उसके बाद वॉल की हेल्प लेनी है। ठीक है, आपका फेस वॉल की तरफ रहेगा। दोनों हाथों को यहाँ पे सेट करोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अपने हील्स को ऊपर उठाओगे और प्रेशर डालते हुए वॉल की तरफ, धीरे से आपको वॉल की तरफ जाना है। इस तरह से हल्का सा जंप करना है, फिर नीचे आ जाना है। फिर से जंप करोगे और फिर नीचे आ जाना है। ओके, यही आपको करीब 4-5 बार आपको ये करना है। इसी तरह से कंटिन्यू करना है, इससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, आपकी कोर मसल्स जो है, ठीक है, वो भी स्ट्रांग होंगे और आप अपने हाथों पे खड़े होना सीखोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक देखें। अब आपको देखें करना क्या है। ठीक है, वॉल के साथ आपको यहाँ दोनों हाथों को यहाँ सेट करोगे, उसके बाद एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर इस तरह से। ओके, ये आपको वॉल के साथ वॉक करनी। ओके, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से आपको वॉल के साथ वॉक करना है। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको करना है, जितना आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जितना हो सके बॉल के करीब आते हैं, पैर फुल स्ट्रेट और अपने हाथों पे होल्ड करना है, खड़े रहना है। शुरुआत में आप इसको करीब 30 सेकंड तक कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शोल्डर की आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो करीब आप 1-2 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हो आराम से। फिर धीरे से आराम से वापस आ जाते हैं। ये आपको डेली करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आपको हैंड स्टैंड करना सीखना है तो हैंड स्टैंड एक दिन में नहीं होता है। ओके, तो इस चीज़ का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जो भी टेक्निक इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, डेली आपको ये प्रैक्टिस, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी हैंड स्टैंड करना सीख जाओगे। अब देखें आपकी नेक्स्ट टेक्निक आपको क्या करना है। ये भी वॉल के ही साथ करना है आपको। दोनों हाथों को अच्छे से, फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे हम, फॉरवर्ड बैंड करते हुए
दोनों हाथों को नीचे रखोगे, ओके। अब एक जंप के साथ आपको ऊपर उठना सीखना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको ऊपर उठना सीखना है, पीछे आपको वॉल का सपोर्ट रखना है, जिससे आप पीछे अगर गिरते हो तो आप गिरते हुए आपको वॉल का सपोर्ट मिलेगा और आप गिरने से बच जाओगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये आपको जंप करना है इस तरह से, हो सकता है शुरुआत में आपसे ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार इसको ट्राई करोगे, ठीक है, डेली अभ्यास करोगे, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आप बहुत ही जल्दी करना सीख जाते हो और अपने हाथों पे उठना सीख जाते हो, लिफ्ट अपने पैरों को लिफ्ट करना सीख जाते हो, ओके। तो देखें इस तरह से आपको करना है ये, ये आपको करीब इसमें भी आपको शुरुआत में करीब 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हो। धीरे धीरे टाइमिंग आपकी बढ़ानी है आपको, डे बाई डे आराम से वापस आना है फिर, ओके। अब देखें जब आप ये डेली करोगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, आपके शोल्डर, आपके आर्म्स, ठीक है, आपके बोन, आपके हाथों की मसल्स, बोन सभी स्ट्रांग बनने लगेंगे, आपकी कलाइयाँ स्ट्रांग होने लगेंगी, ठीक है, और आप धीरे धीरे हैंडस्टैंड करना सीख जाओगे। तो फाइनली आपको अब देखना है कि हैंडस्टैंड कैसे करना है, ठीक है। देखें जब आप ये हैंडस्टैंड करना सीख जाते हो, वॉल के साथ खड़े रहना सीख जाते हो, आपको जब आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखें बिना सपोर्ट के कैसे होल्ड करोगे आप, ठीक है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से जंप करना है आपको, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये आपको जंप करना है, ओके। इसको आप करीब जितना आपसे हो सके उतना आपको करना है, ठीक है, इससे आपको ऊपर लिफ्ट करना सीखोगे, ठीक है। पीछे बॉल भी रख सकते हो, बॉल के सपोर्ट भी रख सकते हो, जिससे आप गिरो ना, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप हैंडस्टैंड करना सीख रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जब हैंडस्टैंड कर रहे हो तो आप एक तो काफ़ी टाइम गिरोगे भी, लेकिन आपको अपना पूरी तरह से फोकस रखना है अपनी प्रैक्टिस पे, आपको निराश नहीं होना है इसमें, ठीक है। डेली अगर आप अभ्यास करोगे तो बहुत जल्दी ही आप सीख जाओगे, ठीक है, हैंडस्टैंड करना। आप देखें फाइनली आपको क्या करना होगा, किस तरह से ऊपर उठना है, इस तरह से आपको हल्का सा बॉल का सपोर्ट लेना है, फिर एक पैर अलग, फिर दूसरा पैर, अपने फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ये हो गया आपका हैंडस्टैंड, ओके। तो अगर आप इस वीडियो में बताई गई जो भी टेक्निक है, ठीक है, अगर आप डेली अभ्यास करते हो इनका तो आप बहुत जल्दी हैंडस्टैंड करना सीख जाओगे, ओके। तो डेली अभ्यास करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।